दोस्तों, ढोकला तो हम सभी को पसंद होता है क्योंकि काफ़ी हेल्दी होता है, लेकिन घर पे उतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बन पाता। आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी की वही समस्या हल की है, घर पे किस तरीके से स्पॉन्जी सॉफ्ट ढोकला तैयार किया जाए बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, उसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसी वीडियो में मैं बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपके भी ढोकले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे अगली बार से। सबसे पहले आपको एक चौथाई कटोरी या कप के जितना ये चीनी लेनी है। अगर आप एक कटोरी से माप रहे हैं उसी से सारी चीज़ें नापनी है। इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच के जितना साट्री, बाज़ार में बड़े आराम से मिल जाता है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून के जितना नमक। इस रेसिपी में मैं आपको नमक का भी मेजरमेंट बता रही हूँ, अक्सर मैं बोल देती हूँ नमक स्वादानुसार, लेकिन 2 छोटा चम्मच ही डालें। 1/4 छोटा चम्मच के जितना हल्दी डालने के बाद मैंने इसमें 1 कप के जितना पानी डाल दिया। दोस्तों, अगर साट्री आपके पास नहीं है, उसे नींबू के सत का फूल भी बोलते हैं हिंदी में, आप उसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून के जितना। अब यहाँ पे मैं 3 चम्मच के जितना ही खाने वाले जो चम्मच हैं इससे नाप के मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल डाल दिया। इससे जो आपके ढोकले हैं बहुत ज़्यादा सूखे सूखे नहीं बनेंगे, गले में चिपकने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वैसा नहीं होगा, थोड़े से मतलब मॉइस्ट बन के तैयार होंगे। उसके बाद मैंने डाल दिया था 1/4 छोटा चम्मच के जितना हींग। बस सारी चीज़ों को आपको एक बार अच्छे से घोल लेना है, इतना करना है कि चीनी आपस में अच्छे से पानी के साथ घुल जाए। और दोस्तों, इसमें आपको हल्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 छोटा चम्मच के ही जितना डालना है। मैं 2 कप बेसन के साथ आपको बना के बता रही हूँ, इसमें करीबन 1 किलो के जितना आपका ढोकला बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के जितना बेसन लिया है। बेसन को हमेशा छान के यूज़ करें ताकि उसमें हवा क्रिएट हो जाती है और आपका जो ढोकला है वो एकदम सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन के निकलता है। अगर आप छानोगे नहीं तो बीच बीच में लम्स रहेंगे, आपको फेंटने में भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपके ढोकले उतने अच्छे नहीं बनेंगे, फिर वैसा टेक्सचर नहीं आएगा जैसा मार्केट वाला होता है। तो यहाँ पर मैंने बेसन को छान के लिया है, पानी मैंने अभी 1 कप ही डाला है, बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं डालूंगी। और टोटल पानी कितना मैंने यूज़ किया है इसी वीडियो में आगे मैं आपको काउंट करके बता दूंगी कि 2 कप बेसन में आपको कितना पानी यूज़ करना है। एक बार में मैंने सारा का सारा नहीं ऐड किया। जैसे अगर मेजरिंग कप आपके पास नहीं है, मैंने बताया जो दाल या सब्ज़ी परोसने वाली कटोरी होती है, आप एक ही कटोरी से सारी चीज़ें नापिए। जैसे चीनी हो गई, 1/4 कटोरी के जितना चीनी ले लिया, फिर 1 कटोरी के जितना पानी ले लिया, उसी कटोरी से नाप के 2 कटोरी के जितना बेसन ले लिया, उससे भी आप नाप लेंगे तो भी आपकी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं भी हैं तो। तो यहाँ पे मैंने बेसन को छान लिया है, एक बार मिलाने की कोशिश करूँगी। मुझे पता है अभी इस पॉइंट पे मैंने पानी कम डाला है, पानी कम हो जाए चलेगा, ज़्यादा पहली बार में ही हो जाए तो और बेसन डालने से अच्छा है कि शुरुआत में पानी कम ही रखिए, बाद में अंदाजे से धीरे धीरे करके डालिए, तो आपका बैटर कभी भी पतला नहीं होगा, क्योंकि बाद में फिक्स करना ज़्यादा टफ होता है। शुरुआत से ही कम चीज़ें डालिए तो आपको आइडिया रहता है कि कितना पानी और ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक अलग कप में 1/2 कप के जितना पानी नाप के लिया है, उसे रख लिया है। अभी मैंने 1/2 कप का भी आधा यानी कि 1/4 कप के जितना पानी अभी डाल दिया, वापस से फेंटेंगे। अभी भी ये बैटर जो है मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, अभी थोड़ा सा हम और डालेंगे पानी, मतलब 1/2 कप के जितना मैंने लिया है मैं पूरा ही डाल दूँगी आगे। दोस्तों, जो साट्री है वो इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी एकदम बाज़ार वाले एकदम आपके जालीदार ढोकले बनेंगे। अगर साट्री नहीं है, आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद सिरका, या फिर नींबू का रस जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, बट साट्री या फिर उसका कोई ना कोई सब्सटीट्यूट जो कि मैंने आपको बताया ज़रूर डालें, उसी से आपके ढोकले में अच्छी जाली बनेगी। तो बाकी का भी पानी मैंने डाल दिया और अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहे तो इस मिक्सचर को 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा अच्छा टेक्स्चर आपका आएगा। ये देखिए, कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब बस मैं इसे ढाँक के छोड़ दूँगी। आधे घंटे के बाद मैं चेक करूंगी तो जो बेसन है उसने सारा पानी खींच लिया है, और गाढ़ा हो रही है जो हो जाएगा, और हमें इसमें और पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, पहले पतला था, अभी बेसन ने सारा पानी पी लिया है, ये फूल गया अच्छे से।
इसमें मैं थोड़ा पानी और डालूंगी। तो अभी तक हमने इसमें डाला था 1.5 कप के जितना पानी, अभी मैं 1/2 कप के जितना और डालूंगी इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, ताकि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो बेसिकली जो 2 कप हमने यहाँ पे बेसन यूज़ किया उसमें मैं करीबन 2 कप के ही जितना मैंने पानी डाला है, लेकिन मैंने बीच में रेस्ट दिया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप तुरंत का तुरंत बना रहे हैं, रेस्ट नहीं दे रहे हैं बेसन को, क्योंकि बेसन फूला भी था आपने देखा, 1/2 घंटे के लिए मैंने छोड़ा था, तो उसके बाद मैंने और पानी ऐड किया। बेसन की खुद की भी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना पानी लगेगा, कोई मोटे दाने वाले होते हैं, कोई बारीक होते हैं, बारीक वाले में कम पानी लगता है, मोटे दाने वाले में ज़्यादा लगता है। तो आपके पास जैसा भी बेसन हो आप उस हिसाब से ऐड करें। अब जब भी आपको बनाना हो उस टाइम पे आप डाल दें 1/2 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर, उसके बाद मैंने 1/2 छोटा चम्मच के जितना इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डालेंगे ताकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एक्टिवेट हो जाए, फिर से मिलाएंगे। जिस चम्मच से मैंने नाप के डाला दोस्तों वो 1/2 टीस्पून का चम्मच था, तो उससे मैंने 3 बार बेकिंग पाउडर डाला और 1 बार बेकिंग सोडा डाला। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप 3 बार की बजाय 4 बार बेकिंग पाउडर डाल दें। बेसिकली 2 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर डाल दें अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो। बाकी मेजरमेंट्स आपको सारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने 1/2 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर, वापस से रिपीट कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा डाला है, अच्छे से मिला देंगे। मिलाते ही आप ये देखिए कितना लाइट एंड फ्रॉथी हो गया हमारा बैटर, जैसे मार्केट में प्री मिक्स मिलते हैं ना ढोकले वाले, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। और ये हमने घर पे पूरी तरीके से फ्रॉम द स्क्रैच तैयार किया है। एक बर्तन को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा है, मैंने नीचे बटर पेपर लगा दिया है, बटर पेपर मैंने नॉर्मल जो कॉपी वाले पन्ने होते हैं उससे तैयार किया है। बटर पेपर घर पे किस तरीके से तैयार करें वो ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ अपने कराची बिस्किट वाले रेसिपी में, अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। बटर पेपर लगाने से ये ईजिली बाहर आ जाएंगे, चिपकेंगे नहीं नीचे से, कभी कभी होता है कि निकालने में टूट जाते हैं तो वो समस्या नहीं होती, इसीलिए मैंने नीचे बटर पेपर लगाया और अच्छे से ग्रीस किया अपना बर्तन। आज मैं इसे बना रही हूँ इडली मेकर में, आप चाहे तो कढ़ाई में भी पानी डाल के कटोरी उल्टा रख के या स्टैंड रख के उस पर भी स्टीम कर सकते हैं, बट मेरे पास इडली स्टैंड था तो आज मैं फाइनली इसी में कर रही हूँ। पानी मैंने उबालने रख दिया है, इडली स्टैंड की जो प्लेट है उसको पलट के रखा है ताकि ये बर्तन रखने में आसानी हो। मैंने जो केक टिन मोल्ड होता है मैंने उसी में अपना बैटर पोर कर लिया है ढोकले का, इसे ढक देंगे और करीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपको इसको मीडियम लो फ्लेम पे स्टीम करना है। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, सारे जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करते हुए बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी रेसिपी। 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया है, बस नीचे थोड़ा सा चाकू पे लगा हुआ है, तो मैंने 5 मिनट के लिए ढक के और छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे तो टोटल मुझे 25 मिनट लगे थे। चाकू आपकी क्लीन आनी चाहिए, तो आपका ढोकला एकदम अच्छे से स्टीम हो गया है। इसे निकाल के हम 10 मिनट का रेस्ट करने देंगे, एकदम गर्म पे ना इसको डीमोल्ड करें नहीं तो टूट जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ऊपर से आपको बबल्स दिख रहे हैं। एक बार साइड में चाकू इस तरीके से फेर लीजिए ताकि ये निकल आए। दोस्तों मेरा जो केक टिन था उसमें पीछे से इस तरीके से अलग प्लेट दी हुई थी, अगर आप नॉर्मल किसी बर्तन में बना रहे हैं जैसे कटोरी, बड़ी कटोरी हो गई या फिर टिफ़िन हो गया, उसमें भी आराम से निकल आएगा अगर आपने ग्रीस किया और बटर पेपर लगाया है तो। ये हमारा घर का जुगाड़ वाला बटर पेपर, नॉर्मल पेपर से ही मैंने तैयार किया था। ये देखिए कितने आसानी से निकल रहा है और पीछे से कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, एकदम क्लीन हमारा ढोकला बन के निकला है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसके जाले देख सकते हैं, थोड़ा मैं पास से दिखा दे रही हूँ, एकदम सुपर स्पॉन्जी बहुत ही परफेक्ट जाले बने हैं। अभी कट करके भी मैं आपको अंदर से टेक्सचर दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है, वापस से बाउंस बैक हो रहा है दबाने पे। इसे काट लें दोस्तों, इसे काटना आपको थोड़ा सा ठंडा करके ही है, मतलब एकदम गर्म पे काटोगे ना तो बढ़िया शेप नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मतलब 15 से 20 मिनट के बाद ही
इसको कट करें ठंडा करने के बाद। आपको जिस भी शेप में चाहिए हो उस शेप का आप काट सकते हैं, डायमंड काट सकते हैं, स्क्वायर काट सकते हैं। ये देखिए अंदर से इसमें कितने बड़े बड़े जाले बने हैं, एकदम जालीदार है ये और बहुत ही सॉफ्ट है। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है छोटी मोटी भूख के लिए, या वैसे भी बहुत ही टेस्टी हेल्दी स्नैक है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे बताना, बिल्कुल भी ना भूलें कि आपके ढोकले कैसे बने। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा एकदम रूई की तरीके से सॉफ्ट है और इतना ज़्यादा स्पॉन्जी है कि वापस से पूरा फूल जा रहा है दबाने के बाद। अब इसका तड़का हम तैयार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूखे सूखे ढोकले तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, उसमें हम पानी वाला तड़का लगाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल ले रखा था, उसमें थोड़ी सी राई सरसों के दाने डाल दिए, करी पत्ता डाल दिया और एक ग्लास के जितना मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया। अब यहाँ पे हम डाल देंगे एक चम्मच के जितना चीनी। चीनी ऑलरेडी बैटर में है तो ज़्यादा नहीं डालना है हमें। एक चीज़ मैं बताना भूल गई दोस्तों, इसमें मैंने 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची भी डाली है। बस इसको हम एक बार उबाल लेंगे ताकि चीनी पिघल जाए अंदर और इसका हम तड़का लगा देंगे, मतलब ढोकले के ऊपर डाल देंगे ताकि जो तड़के वाला पानी है ढोकले अच्छे से सोक इन कर लें। आप चाहे तो तुरंत खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा रुक के अगर आप वेट करोगे कि जो इसका तड़के वाला पानी अंदर अच्छे से इसके जूसेस चले जाएं ढोकले के अंदर, तो और ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए और छोड़ सकते हैं, वरना आप गर्म भी ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से चाहें तो आप फ्रेश हरे धनिया पत्ते डाल दें, भी मेरे पास थे नहीं तो मैंने डाले नहीं, चाहे तो थोड़े से फ्रेश नारियल भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और ये हमारा सुपर स्पॉन्जी एकदम जालीदार ढोकला घर पे बनके बिल्कुल तैयार है। लग रहा है ना सुपर टेम्पटिंग, और बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में हमने बनाया है। दोस्तों तड़के में मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची भी स्लिट करके डाली थी, मैं बताना भूल गई, तो वो भी डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी हाथ से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी हेल्दी स्नैक की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, अगर आपको उसकी वीडियोज़ देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप कुकिंग।